कल को मैं रही नहीं रही। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? डर लगता है बाबा। डर डर है मत बेटा। 350 के बाद ना तेरा घूमने का मन करेगा, ना तेरा कपड़े पहनने का मन करेगा, ना तेरे पास इच्छा खत्म हो जाएगी। सोनिया कह रही थी। अरे जी माता दी, मैं और मेरी मम्मी हम लोग पढ़े हैं कमरे में, तो बात कर रहे थे मेरे बच्चों के बारे में। तो आज मेरी बेटियों का हॉस्टल से फोन आया था, क्या कह रही थी बोलो। बहुत ही प्यारा, मेरे को तो वो है ना बोलना ही नहीं आता जितना प्यार सेवा दीवान से बोल रही। हाँ मम्मा, हाँ मम्मा, बस मन इतनी खुशी होगी बस जिसकी कोई लिमिट नहीं। कितनी खुश हुई नहीं सा, तुम सारी थकान दूर हो जाती ना बच्चों से मम्मा सुन के। और वो मम्मा किसा वर्ड बोलती है देवांशी, कुछ अलग ही बोलती है। और मेरी आरा तो कहती है बहुत प्यारी है। कैसी आरा? आरा कुछ भी हो अपने अंदर में रख लिए। क्या रखा अंदर? जैसे इसका थोड़ा वो निकल रहा था ना, मुझसे निकलवाने गई थी तो उसमें डॉक्टर ने यही इंजेक्शन लगाया थोड़ा, तो दर्द अंदर पी गई। मैं बोली मेरा ऐसा हुआ जैसे इसको हटा दूँ। वहाँ डॉक्टर ने बोली भाई इसको थोड़ा आप बाहर बैठो। मैं बाहर नहीं बैठूंगी, मैं अपने बच्चे के पास ही बैठूंगी। फिर डॉक्टर ने बोली ये दूसरा और निकाल दो, उसको पता नहीं क्या निकलते हैं छोटे छोटे मस्से टाइप। तो आरा बोली हाँ हाँ निकाल दो, पर दर्द पी लेती है भी। वो संतरा खा लो बच्चो। मम्मी तो मैं कैसी हूँ? बहुत प्यारी है। मेरे मुंह पर ना तारी पर बुराई कर, मेरी मैंने बुराई करनी नहीं। साफ दिल किया, वैसे गुस्सा तो है तेरा में, तेरे पापे की तरह। नहीं जो बुराई है बुराई सुनना मुझे ना। वैसे सही है बेटे, जायज बोलती है, लेकिन कोई तेरे को गलत कहे वो उठते नहीं तेरे से। अब फिर तू, मैं कहती हूँ आराम से शांति से जवाब दे दे, लेकिन तेरे में एकदम गुस्सा हो जाता। ये है तेरा बस कमी। अगर तू शांत हो जाए ना, तू बहुत बहुत और कई के कमेंट्स पढ़ते सूट पहन लेना और शांत हो जाए, तेरे को बहुत लाइक करे, तेरे फॉलोअर बहुत बढ़ जाए। मतलब मैं शांत हो जाऊं तो फॉलोअर बढ़ जाए? शांत तो चल तू ठीक है बेटा, तू मतलब सूट पहनो तो फॉलोअर बढ़ जाए। अच्छा। देखो मुझे अपनी बच्ची सूट में बहुत प्यारी लगती है, लेकिन मैं इसके कोई चीज रोकती भी नहीं है। मैंने इसको कोई टेंशन नहीं देना चाहती बेटे, लाइफ है जैसे पहनना पहन ओढ़। लेकिन सूट में तो सभी बोलते हैं निशा बहुत अच्छी लगती है और बहुत ही प्यारी लगती है सूट में, तो पेंट शर्ट में भी बहुत प्यारी लगती है। ये जो उजल पुजल है ना, मैं शॉप पर जाती हूँ ना इसके कपड़े लेने, मैं ही लाती हूँ, तो वो जाते ही कह देते निशा के हैं मैडम के। मैं कहा हाँ, वो अपने आप ही डीप डीप गले के दिखा दे, क्योंकि एक तो ये है बंद गले में इसका दम घुटता है। मैं बहुत ले आई, पर बंद कड़ा जैसे पहनते इसको अजीब सा लगता है, घुटन होती है इसको, क्योंकि बेचारी घुटी हुई तो है। अब ये सोच रही है अभी क्या बोलेगी। मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं एक बात सोच रही थी मम्मी। बोल। देखो मेरा नसीब अच्छा है कि मेरी बेटियां मुझसे प्यार से बात कर रही हैं। हाँ। पर मैं ये सोच रही थी कि मैं ये जो भी मेहनत कर रही हूँ, जो भी मैं सेक्रीफाइस कर रही हूँ, जो भी मैं कुछ कर रही हूँ, ये उनको दिखेगा? दिखेगा बेटा, तू मेहनत कर रही है, कहाँ से कहाँ तक ले जा रही, बच्चों के लिए कर रही है, उनको आज भी दिखता, पर अभी बच्ची है वो, फिर और समझ आएगा तो उन्होंने लगेगा मेरी माँ ने के इतनी मेहनत की है मैं पढ़ाने के लिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ना, देखो मैं एक सिंपल सी बात है कि मैं कहीं भी नहीं जाती,
घूमती भी नहीं जाती हूँ मैं, कहीं बाहर जा रही हूँ कि तक काम होगा तो होगा, कुछ और करती नहीं। सोनिया बोली फ्रेंड्स हैं तेरे, मैंने कहा मेरी कोई दोस्त ही नहीं। कोई दोस्त नहीं है निशा की सच में, मैं ना कोई भी दोस्त नहीं। और देखो एक बात और मैं क्लियर करती हूँ, अभी निशा का फोर्थ फ्लोर है, हमारे पास ही रहती है। श्याम ने मुझे पता है इसका कितना दम घुटता अकेली होती बच्चों को हॉस्टल में डालने के बाद, लेकिन कोई नहीं, अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रही है और माता रानी इसको फल देगी। इसकी बच्ची इसको आते पढ़ाई करके आएंगी, इसकी बच्ची इसी के काम में लगेंगी। छोटी तो मेकअप आर्टिस्ट कह रही है बनूंगी, बड़ी भी देखो कह रही है मैं अपनी मम्मी का बहुत करूंगी। मेरी मम्मी और बड़ी भी कहती है मम्मी जैसे सूट जैसे ड्रेस पहनी है पहन मम्मी, तू अपनी लाइफ जी, तू ना हमने देखा तेरे को तंग होते हुए लेकिन तू अपनी लाइफ को जी। अब तो बड़ी लड़की समझदार होती जा रही है, वो कह रही है पहले कि उसके दिमाग में था मम्मी वीडियो मत बना कर, तो क्योंकि उसने खुद शर्म आती है कोई गलत कॉमेंट्स दे देता है तो उसको वो लड़की जब देखती है तो उसका मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब तो मैं भी गलत कमेंट्स में पढ़ती ही नहीं क्योंकि एक आध तो देखो इतने अच्छे बच्चे हैं इतने अच्छे कमेंट्स भी देते हैं, पर एक आध तो देगा ही क्योंकि उनका काम उन्होंने तो देना ही है एक आध कमेंट्स तो। कहाँ कमेंट पे पहुँच गई मैं तुझे ये कह रही हूँ कि मैं जैसे सुबह से लेके जो शाम तक मेहनत करती हूँ, मैं जैसे दुकान पे काम भी करती हूँ मुझे अच्छा लगता है, मुझे घर अच्छा नहीं लगता काम अच्छा लगता है। मैं कहीं नहीं जाती किसी से नहीं बेफालतू बात करती, मैं अपने काम से मतलब रखती हूँ। तो मैं ये कह रही थी कि जैसे सोनिया मुझे एक बात बोल रही थी कि निशा 50 के बाद ना तेरा घूमने का मन करेगा, ना तेरा कपड़े पहनने का मन करेगा, ना तेरे पास इच्छा ख़त्म हो जाएगी। सोनिया कह रही थी, मेरी भाभी का नाम है सोनिया, वो और उसके हस्बैंड घूमते रहते हैं। तो वही कहती कि 50 के बाद ना तेरा ना घूमने का मन करेगा, ना अच्छा पहनने का मन करेगा, ना कुछ मन करेगा, तो अभी तू घूम फिर। तो मैं कहती नहीं सोनिया मैं काम करना चाहती हूँ, अभी अभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे काम करना चाहिए, मुझे अच्छा लगता काम करके। बट मैं ये सोची थी कि मैं वो गई थी तू इतना काम किसके लिए कर रही है, तो मैं ये सोची थी कि मैं इतना काम कर रही हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, अपने बच्चों के लिए कर रही है बेटी। पर क्या ये बात बच्चों को समझ में आएगी? बिल्कुल आएगी समझ में, बिल्कुल आती है समझ में बच्चों को, ऐसी बात नहीं। मेहनत कर रही है, देखो तेरे में हिम्मत है तो मेहनत कर ले, आने वाले टाइम में दोनों लड़की सुखी रहेंगी, पड़े दोनों अपना काम अपनी लाइन में ले आना, दोनों को होशियार होंगी तो आगे बढ़ जाएंगी। तो इतने मतलब कंपटीशन है बहुत ज़्यादा, तो अपनी लाइन में लाइए, अपने बच्चों को अपने पास मतलब काम सिखाइए, काम करेंगे, शादी होएंगी तो अपने चली जाएंगी, आरा को तो अपने पास ही रखना। ऐसा नहीं कर सकती ना मैं, उनकी शादी होगी तो वो जाएंगी, अपने स्वार्थ के लिए थोड़ी मान दूंगी मैं किसी को। आरा नहीं जाएगी तुझे छोड़कर, शादी नहीं करेगी। शादी तो बड़ी भी मना कर रही है, उनको मैं शादी नहीं करूंगी। मुझे नहीं लगता ये मियाँ बीबी की टेंशन मुझे नहीं अच्छी लगती। पता नहीं क्यों बना रही हूँ ये, पर मेरा मन कर रहा था तो ये चलो मैं व्लॉग बनाती हूँ मेरी बेटियों के लिए। कल को मैं रही नहीं रही, ऐसे क्यों बोल रही हूँ तो भाई बाई चांस ऐसा हुआ तो वो कल को ये मेरा अकाउंट तो उनको रहेगा ना तो वो ये देखेंगी तो मैं बोल देती हूँ। देवांशी तेरी मम्मा कितनी मेहनत कर रही है बेटा, और तेरी मम्मा जैसी तो देखो सबकी मम्मा सबके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी मम्मी अकेली इतनी टेंशन में इतनी संघर्ष में होते हुए इतनी मुसीबतें हैं इसके साथ, और फिर अपने बच्चों के लिए काम कर रही है और सुबह से रात तक काम करती है। ये तो कई क्लाइंट आते हुए देखते ही, वैसे का आधबर कभी कहीं कुछ में जाना है काम से ही जाती है, ऐसे भी नहीं जाती काम से ही जाती है, वैसे कहीं नहीं जाती। दिन में मैं 3 बजे तक मैं होती, इसके बाद इसका पापा चला जाता, अकेली भी नहीं होती है, बीवी एक काम करती रहती है, ये भी नहीं है कि वो है तो
मतलब जिम्मेदारी है लड़की का। दिक्कत क्या है, ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ये बता रही हूँ मैं मेरी बेटी को कि चाहे हो सकता है वो बाद में देखे कि देखो माँ बहुत प्यार करती है तुमको। अरे तू आज क्यों परेशान हो गई? नहीं सब बहुत करती है, तेरे बच्चे भी देखा आज कितना कितना बोल रहे थे, तो खुश उनके वर्ड सुनकर कितनी खुशी हुई है तुम्हें। डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? डर लगता है मामे। डर डर मत बेटा, अपना फर्ज पूरा करती है जा, डर मत, क्योंकि बकाने वाला कोई है तो जो दूर कर देगा, लेकिन कोई बात नहीं, तेरे बच्चियों को पता है कि कौन मेहनत कर रही है, हमारी माँ ने हमारे लिए सब कुछ किया, इतना तो पता है ना। देखो कल को वो बड़ी होंगी, मैं ये नहीं कहती कोई उनको कुछ बोले ना समझाए ना समझे, पर मैं ये समझाना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं बेटा कोई अपने आप को कुछ दिखाए कि मैं ही तुम्हारे लिए मैं जी रहा हूँ, और वो अपनी मौज करे तो वो तुम्हारा है। जो अपने आप को ख़त्म करके तुम्हारे लिए सोचे, अपने अपनी इच्छाएं मार के तुम्हारे लिए सोचे, अपनी सारे कंफर्टेबल लेवल खत्म करके तुम्हारे लिए सोचे, जिंदगी जीने के बारे में ना सोच के तुम्हारे लिए सोचे, वो तुम्हारा है। मैं किसी को कुछ नहीं कह रही वाली हूँ कि मैं तुम्हारी हूँ या नहीं हूँ, वो वक्त देख लेंगे, बट ये मैं वीडियो इसलिए डालूंगी, हो सकता है कल को बेटियां बड़ी हो जाए, कोई किसी को कुछ भी कहे, भाई हर इंसान की बात सुनता है, तो बेटा ये वीडियो देख के ये जज करना कि तुम्हारी माँ ने ना तुम्हारे लिए किया है सब कुछ, तुम्हारे लिए ही जीती हूँ मैं, तुम्हारे लिए काम करती हूँ, मेरे अपने शौक ज़्यादा है नहीं, है ना। तो मेरा बस ये था कि मैं घूमने का तो सबका मन करता है, दोस्ती यारी का भी मन करता है, मैं क्यों नहीं करती हूँ? मैं इसलिए नहीं करती बेटा कि भाई मैं तुम्हारे लिए करना चाहती हूँ। और बेटे तुम्हें हॉस्टल में भेज रखा है ना, ये हम ही जानते हैं तेरी मम्मी की, ये ऊपर के लिए सो नहीं सकती, रोती रहती है, थोड़ा ये फोन है, चलो इस फोन में थोड़ा न्यून वीडियो देख ले, बना ले, नहीं तो हमें पता ही कैसे, मुझे पता ही कैसे रह रही है तुम्हारे बिन, दोनों बच्चियों को कह रही हो, आरा देवांशी को। कल को किसी की भी बात सुनने से पहले ये देख लेना कि कोई तुम्हारा अपना तब होता है जब वो तुम्हारे लिए अपने आप को ख़त्म कर देता है, अपनी ज़िंदगी को तुम्हारे पे न्योछावर कर देता है, तुम्हारे लिए अपनी ज़िंदगी को तुम्हारा फ्यूचर बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी को साइड रख देता है ना, वो तुम्हारा अपना है। हो सकता है मेरी बेटी तुम्हारे सामने मैं ये बात ना बोलती हूँ, और नहीं बोलूँगी भी नहीं, तुम जब वक्त आएगा शायद तब भी नहीं बोलूँगी, बट कभी ना कभी तुम्हें ये दिखेगी तो तुम्हें समझ में आएगी कि माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। जय माता दी, जय माता दी।